गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हमारे पास फाइनली जो आ चुका है जो है एक गेमिंग नेकबैंड जो है, और इसकी तरफ से आता है विंग्स फैंटम 205। और आज के इस वीडियो के अंदर इसका अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। साथ साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब जो है नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिए। और इस डिवाइस के बारे में कुछ भी मुझे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चल इस वीडियो को जो हम शुरू कर लेते हैं, तो पहले जो हम बॉक्स पैकिंग को देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह का जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी फैंटम 205। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने मिल जाएगी, नेकबैंड की इमेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे इसकी जो है मेंशन किया है इंटेलिजेंट टच कंट्रोल्स इसमें आपको मिल जाएगा। जिसके हम बैक साइड पे देखे जाए तो कुछ आपको हाइलाइटेड्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं, उसके बारे में आपको आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और साइड की तरफ से आपको देखे जाए तो यहाँ पे आपको ईएनसी मिलने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलेगा, और 50 आवर्स का प्ले बैक टाइम मिल जाएगा। मैग्नेटिक स्विच कंट्रोल्स मिल जाएगा और 40 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिल जाएगी। IPX4 वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पहले जो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक यूजर मैनुअल गाइड, जिसके इसके जो टच कंट्रोल्स वगैरह जो कैसे यूज करते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और साथ यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एक 1 ईयर वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलता है 4 एक्स्ट्रा एडिटिव्स मिल जाएगा, और साथ 2 विंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाते हैं। और हमारे मेन डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं तो डिवाइस कुछ इस तरह का जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले जो हम इसकी नेक पार्ट की बात करी जाए तो नेक पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मैटेरियल जो है नेक पार्ट में यूज़ किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट आपको ये नेक पार्ट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इसके हम जो है मॉड्यूल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो है विंग्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये आपको एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक टच सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे LEDs देखने के लिए मिल जाएगी, और आपको टाइप सी जो है पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा के आप चार्जिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। जैसे हम इसकी वायर क्वालिटी की बात करी जाए तो वायर क्वालिटी काफ़ी सही है, जिसके आप प्राइस के हिसाब से देखे जाए ना ठीक ठाक से इसकी वायर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। और जैसे हम जो है इसके ड्राइवर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 10 मिलीमीटर का ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको वाइब्रेशंस का ऑप्शन मिल जाता है कि आप ड्राइवर्स को अलग करोगे तो यहाँ पे वाइब्रेशंस हो जाएगा, जिसके आपको कॉल वगैरह जो आएगा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ये दे देगा। जो आपको जो कॉल आएगा तो यहाँ पे जो है लेफ्ट वाले जो है पार्ट है ये तो वाइब्रेशन कर देगा, तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। चलिए इसको हम फटाफट जो है कंफर्ट देख लेते हैं इस नेकबैंड का, किस तरह का जो हमें कंफर्ट देखने के लिए मिल जाएगा या नहीं देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जो इसका हम कंफर्ट को लेके बात करें जाए तो कंफर्ट आपके नेक पर काफ़ी अच्छा कंफर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत होगी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट के साथ जो है आपको जो नेकबैंड देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हम ड्राइवर्स का कंफर्ट को लेके बात करी जाए तो कंफर्ट जो आपको काफ़ी ज़्यादा गजब देखने के लिए मिल जाता है। फिटिंग्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो इस ड्राइवर्स की, और नेक जो है गले में आपने पहना ऐसा महसूस भी नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट के साथ जो है आ जाता है। और इसमें आपको ENC मिल जाते हैं तो आपको जो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह होगा तो वो कैंसिल कर देगा, जैसे कि फैंस का साउंड वगैरह जो होगा तो ये कैप्चर यहाँ पे कर देगा। तो कंफर्ट एंड फिटिंग्स के बारे में हम देखे जाए तो काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ पे कंफर्ट जो है अच्छा लगा। जो कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको 15 मीटर तक रेंज मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें आपको जो AAC का कोडेक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसको हम पेयर कर लेते हैं, ब्लूटूथ को एनेबल कर लीजिए और ड्राइवर्स की जो है अलग कर लीजिए, और थोड़ा सा वाइब्रेशन शो होगा तो ये आपको फीचर्स मिल जाता है इसमें वाइब्रेशंस का। ये कनेक्ट हो चुका है, मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा था, और इसकी जो बैटरी शो कर रहे हैं 100%। चलिए इसको फटाफट से हम सॉन्ग सुन के देखते हैं किस तरह का जो हमें रिस्पांस मिल पाता है इस नेकबैंड के थ्रू या नहीं देख लेते हैं। तो जो हम इसकी जो बेस क्वालिटी जो मैंने लगभग से 10 घंटे से इस नेकबैंड के थ्रू सॉन्ग्स वगैरह मैंने सुन लिया है, तो मुझे इसका जो बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा लाउड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इसके हम जो है ट्रेबल्स की बात करी जाए तो वो आपको थोड़ा सा जो है एक बैलेंस देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि इसका ओकस और इंटरमीडिएट सेपरेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर्स देखने के लिए मिल जाता है। जिसके हम इस प्राइस रेंज के हिसाब से हम देखी जाए तो इसकी जो है काफ़ी अच्छी बेस क्वालिटी आती है, बट इसका जो है
थोड़ा सा ट्रेबल्स बैलेंस देखने के लिए मिल जाता है, काफी सही है इसका बेस जो है। हम ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है आप यहाँ पे सुन लीजिए। तभी आप सुन रहे जो है विंग्स फैंटम 205, इसी नेकबैंड के थ्रू जो ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है। जो आपकी इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर उसकी बात करी जाए तो इसके अंदर कितने एमएच की बैटरी लगी हुई है कहाँ पे भी मेंशंस नहीं है। जैसे कि आप इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप जो है 10 मिनट्स में चार्ज कर लेते हैं तो आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। जैसे इसको आप फुल चार्ज कर लेते हैं इस नेकबैंड को तो आपको 50 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। जिसके हम बैटरी बैकअप्स के बारे में हम देखे जाए तो काफ़ी अच्छी इसके बैटरी बैकअप्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। दोस्तों जो अभी हम गेम टेस्ट करेंगे और इसमें आपको 40 मिलीसेकंड्स की जो है लेटेंसी इसमें मिल जाती है, कैसा जो हम गेम खेलने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिल पाता है या नहीं हम अभी देख लेते हैं। तो मैंने इस नेकबैंड के थ्रू गेम वगैरह जो खेल के देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला। तो इसमें कोई भी लैग वगैरह जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा गेम खेलते वक्त, आप जो है गेमिंग वगैरह जो है इसके थ्रू जो है नेकबैंड के थ्रू इंजॉय कर सकते हैं BGMI गेम वगैरह जो है। जाए तो आप सिंगल प्रेस करके जो आप पॉज या प्ले कर सकते हैं, जिसके 3 बार यहाँ पे टैप करके जो है सॉन्ग को आप नेक्स्ट कर सकते हैं, 3 बार यहाँ पे टैप करके सॉन्ग को प्रीवियस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आपको फंक्शन बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है यूज़र मैनुअल पर जो इसका जो टच कंट्रोल्स कैसे यूज़ करते हैं डिटेल में बताया है, वहाँ पे आप देख के आप टच कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाती है, जैसे कि हल्के मुल्के पानी का ड्रॉप्स वगैरह गिरता है तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरों जो आप ये नेकबैंड लेना चाहते हैं तो अंडर 1300 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा ये नेकबैंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। आपको वीडियो जरूर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलता हूं।